समाप्त किया गया। यहां के लोगों में इस बात की पीड़ा है, यहां के लोग चाहते हैं कि नैनवा को विधानसभा का दर्जा दोबारा मिलना चाहिए। दूसरा, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जोन घोषित करके SC ST OBC के लोगों को जो जल जंगल जमीन के अधिकार से महरूम किया जा रहा है, अभी भी सैकड़ों गांव को विस्थापित होना पड़ा और जब भविष्य में उसका विस्तार होगा फिर भी सैकड़ों गांव को वहां से उजाड़ने का प्रयास किया जाएगा। हम जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं लेकिन यहां की सरकारों को इंसानों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इंसानों को हटा के जानवरों को बसा के कौन सा न्याय निर्माण करना चाहते हैं। नैनवा क्षेत्र को लोकसभा भीलवाड़ा के साथ जोड़ना यहां की जनता के साथ अन्याय है। लोकसभा कोटा के साथ अगर इसको जोड़ा जाए, यहां के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मांग है इस क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र भी मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा क्योंकि कोटा का नाम जो है सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में जो है कोटा का नाम प्रसिद्ध है इस संभाग का, क्योंकि कोटा एजुकेशन का हब है और भारत में विभिन्न प्रांतों से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं और यहां से पढ़कर प्रदेश की, देश की और दुनिया में रह के मानव जाति की सेवा के लिए काम करते हैं। कोटा से चंबल का पानी जब अन्य स्थानों पर ले जाया जा सकता है तो नैनवा में क्यों नहीं। हमारी मांग भी है कि यहां की सरकारों से कि नैनवा को चंबल का पानी जो है वो मिलना चाहिए। नैनवा के किसानों को चंबल के पानी से महरूम नहीं करना चाहिए। अगर